हेलो गाइस, तो फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं डियर पार्क। ये देखिए, ये इसका मेन गेट, और आप देख सकते हैं कि आज काफ़ी भीड़ भी है, काफ़ी ज़्यादा लोग दिख रहे हैं। तो आइए अभी हम चलते हैं इसके अंदर, और देखिए गाइस यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा हरियाली है, आप देखिए चारों तरफ इसके। गाइस तो यहाँ आप देख सकते हैं इधर की तरफ एक रास्ता जा रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट पार्क को जाता है, जिसका व्लॉग हम अलग वीडियो में बना देंगे। और डियर पार्क के लिए आपको थोड़ा सा आगे निकलना है, थोड़ा आगे जाते ही बिल्कुल सामने में ही वहाँ पे डियर पार्क है। और गाइस डियर पार्क कैसे पहुँचना है उसके लिए हमने एक अलग वीडियो बना रखा है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइज़ ये है इसका मेन गेट, जहाँ से आप एक्चुअल डियर पार्क के अंदर जा सकते हैं, और ये फ्राइडे को बंद रहता है, सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। तो गाइज़ आइए अभी हम चलते हैं इसके अंदर, और गाइज़ आप देख सकते हैं कि अंदर भी ये कितना हरा भरा है, ज़बरदस्त हरियाली है यहाँ पे। और गाइज़ जहाँ तक हम इस पार्क की बात करें, तो ये करीब करीब 700 से 800 साल पुराना है, 1295 में इसको बनाया गया था। और इस पार्क को हम एन झा पार्क के भी नाम से हम जानते हैं, आदित्यनाथ झा जो कि एक सिविल सर्वेंट थे और सोशल वर्कर भी थे। तो गाइस ये देखिए, हिरन के बाड़े के आसपास कोई भी आवाज़ करने वाली वस्तु का प्रयोग ना करें। गाइस ये बेसिकली नेचर लवर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि नेचर को एंजॉय करें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, पीसफुल जगह पे आएं, तो ये जगह आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, एकदम रिकमेंडेड है। तो आइए गाइस अब हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और चलते हैं अपने हिरनों के पास। बेसिकली गाइज इस तरह की फेंसिंग यहाँ पे है, और इसी सारे फेंसिंग के अंदर आपको बहुत सारे हिरन देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज फाइनली ये देखिए, सामने दो हिरन दिख रहे हैं, हम थोड़ा चलते हैं उसके नज़दीक, और ये देखिए, बल्कि एक बड़ा सिंघा इसमें है और एक हिरन दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए कितने शांति अवस्था में ये दोनों खड़े हैं, आप देख सकते हैं। और गाइज ये इनक्लोज़र इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये सब आपस में यहाँ पे खेल भी सकते हैं, लड़ाई भी कर सकते हैं। और आप दूर देखिए गाइज, कुछ दूर पे यहाँ से कुछ हिरन और दिख रहे हैं आपको दौड़ते हुए। यहाँ पे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हरे पेड़ पौधे हैं इनके खाने पीने के लिए। और गाइज सबसे अच्छी बात इस पार्क की ये है कि ये पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री है, एक रुपया इसको घूमने का नहीं लगता है। और ये देखिए गाइस, काफ़ी भीड़ भी यहाँ पे है, काफ़ी गैदरिंग है, ये देखिए बच्चे बड़े सब यहाँ पे घूम रहे हैं। रोज़ गार्डन के कंपैरिजन में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, रोज़ गार्डन में गाइस थोड़ी भी भीड़ नहीं थी। और गाइस हमने रोज़ गार्डन की भी वीडियो बना रखी है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे झुंड आ गए हैं हिरन के, एक आपको हम बुलाते हैं अपने पास, देखते हैं। ये देखिए आ गया। चला गया। तो गाइज़ ये पार्क जो है, ये दिल्ली ज़ू से तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे आप बिल्कुल सामने से इन हिरनों को देख सकते हैं, दिल्ली ज़ू में तो काफ़ी दूर पे होता है। और गाइस इधर देखिए, इस साइड में एक छोटा सा मैदान बना हुआ है, जहाँ पे बच्चे बड़े सब इंजॉय कर रहे हैं। दिल्ली का लंग्स कहलाता है गाइस ये।
तो गाइज इस तरह से ख़त्म होता है हमारा डियर पार्क का सफ़र। तो गाइज फाइनली हमने आपको डियर पार्क भी घुमा दिया है। कैसा लगा आपको ये डियर पार्क हमारी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलते हैं हमें एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।